तो हम पहुंच गए लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पे आज भीड़ देखो भाई, इतनी भीड़ देखना। गाड़ियाँ ऐसे फंस रखी है जैसे साला किसी ने मसूरी नहीं देखा है, ऐसे फंस रखे हैं गाड़ियाँ। हम तो घूमने आए थे पर हमने घूमना भी कैंसिल कर दिया, हम नीचे ही वापस चले गए। वापस जाना ही चाहिए, यहाँ पे जगह भी नहीं है कहीं पर गाड़ी लगाने की। और इतनी भीड़, संडे को बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है संडे को। तो यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई बस आएगी, यहाँ से जाएंगे। ये सारा बस स्टैंड है मसूरी का, और व्यू देखो भाई, इतना बढ़िया व्यू रखा है संडे को। धूप इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पे, और नीचे का व्यू देखो ऑसम, सबसे बढ़िया है भाई। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट संडे के दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। यहाँ देखो पुलिस वाले लग रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। वहाँ सामने बस फंसी हुई है, जब तक वो नहीं आएगी हमें नहीं भेजा जाएगा यहाँ से। ट्रैफिक खाली हो रहा है आराम आराम से, तो हमें यहाँ पे पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा इतना ट्रैफिक हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ आ रखी है आज, ज़्यादा टैक्सी दिख रही है यहाँ पे, बसेस भी आ रखी है। चलो हमारा रूट शुरू होता है, हमें तो भेज ही दिया, ये बस यहाँ पे खड़ी हो रखी है। व्यू देखो वाओ ऑसम, सबसे बढ़िया व्यू है मसूरी का। अब क्या हुआ है, अरे फिर फंस गए, ये ट्रैक फंसा हुआ है, निकल जा, ये आगे नहीं जा पा रहे, आगे चलो नहीं जाएगा, हम यहीं पर रुके रहे, कितनी देर रुके रहेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले अंकल फिर आ गए, फिर गाड़ी को पीछे करवाएंगे। अब उसे डांट पड़ रही है, तो गाड़ी क्यों लाया, गलती उसकी भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सब ओवरटेक करके आगे जा रहे थे ट्रक से, तो उसे लगा शायद मैं भी जा सकूँगा, पर वो फंस गया बेचारा। और इसी लड़ाई झगड़े में हम लोग रुके रहे हैं यहाँ पे, भैया पीछे करवा लो, उन्हें सफाई दे रहे हैं तो पीछे करा ही रहे हैं। चलो दीदी चलो जल्दी चलो, अंकल फिर डांटते हुए। ये ट्रक देखो कितना धुआं छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मिल गया यहाँ पे रास्ता जाने का, तो हम चलते हैं यहाँ से। अब अंकल अपना खाली करवाते रहेंगे यहाँ रास्ता, थोड़ी सी भैंसबाजी करके रास्ता मिल गया जाने के लिए। होता रहता है लड़ाइयाँ तो यहाँ पे चलती रहती है देहरादून शहर में, मसूरी जैसे शहर में। एक्चुअली संडे को भीड़ इतनी होती है, गलती किसी की नहीं है। और ट्रैफिक देखो भाई, इतनी बड़ी लाइन कहाँ तक है, ये लाइन अब ख़त्म होगी। अरे बस भी है इतनी बड़ी, ओहो इतनी बड़ी बस भी फंस रखी है, अभी और ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। मतलब ये तो शाम तक भी नहीं निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है इन्हें देख के, इन्हें 6 बजेंगे पक्का है, जिस हिसाब से ये ट्रैफिक हो रखा है। लास्ट कहाँ तक है, अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब होगा ख़त्म। अरे भाई ख़त्म हो जाए, कितनी गाड़ियाँ आती है संडे को मसूरी घूमने, ख़त्म ही नहीं हो रहा है देखो इतना ट्रैफिक। बस फिर से ओ जी फॉग देखो कितना भयंकर हो रहा है, अब बढ़िया लग रहा है फॉग, ठंड भी हो रही है पर बहुत। वाह मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है मौसम, पर ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अंकल ने गाड़ी मोड़ ली, यारा बहुत भीड़ है, मैं नहीं जा रहा हूँ आगे, पर ये सच में इतनी बड़ी लाइन है भाई, लाइन नहीं ख़त्म हो रही। OMG यहाँ ये ख़त्म, ओ ख़त्म हो गई, अब खाली मिलेगा बिल्कुल रास्ता, पर व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है।
वाह। तो ये हमारी मसूरी की नई पार्किंग जो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। जब हम पहले आए थे तो यहाँ मसूरी की बिल्कुल पार्किंग नहीं थी, तो ये मसूरी की यहाँ पे नई पार्किंग बनी है। चलो मैं दिखाती हूँ अभी। यहाँ से हम टर्न होंगे नीचे की तरफ, ये टर्न हुए, बहुत अच्छी बनी है। ये देखो ये ग्रीन वाली सारी पार्किंग ही है। ये देखो यहाँ पे एक कार खड़ी है, ये यहाँ से अंदर बहुत और भी बन रही है। ये तो ये पार्किंग हर जगह वैसे होनी चाहिए, उससे ट्रैफिक नहीं होता है। पर यहाँ पे कोई अभी खड़ी कर ही नहीं रहा है क्योंकि और बन रही है। इसमें जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब यहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फिर लोग पैदल जाया करेंगे। तभी रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसके। ये देखो ये बन रही है सारी। और व्यू देखो भाई, व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ा गला भी ख़राब हो गया ठंडे ठंडे मौसम में। देखो ऊपर कितना फॉग हो रहा है भाई, कितना ज़्यादा ठंड लग रही है। और ऐसे देख देख के मुझे अभी भी लोग आ ही रहे हैं भाई मजदूरी के लिए, इतनी भीड़ हो रही है। वैसे हम तो रुके ही नहीं, हम तो देख के वापस इस भीड़ में क्या करेंगे, हम सोचे वापस ही चल दिए हम तो। देखो अभी भी लोग आ ही रहे हैं मसूरी घूमने के लिए इतनी रात को, मतलब रात ही होने वाली है अब तो, एक डेढ़ घंटे रात हो जाएगी। अभी भी दो का